जैसे मैंने कहा कि अगर कोई हमें हम अगर कोई छोटा सा एफर्ट करते हैं किसी चीज़ के लिए, और ये बात हमें भी पता है कि आप लोग यहाँ पे मौजूद होंगे और इसके जरिए अगर लोगों तक ये बात पहुँचती है और लोग भी इस काम में आगे आएँ, तो अच्छा लगता है कि हम लोगों ने एक शुरुआत की है। और वंस अगेन आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू आसिफ भाई कि भामला फाउंडेशन के जरिए हम लोगों ने एक छोटा सा एफर्ट किया, हम सब ने गाना गाया और उसमें उसका वीडियो भी शूट किया और आज उसको अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, अच्छा लगता है। जहाँ डेवलपमेंट होता है वहाँ पे फिर पेड़ काटने की भी बात आती है, तो ये दोनों का तालमेल कैसे बनेगा? मुंबई जैसा शहर जहाँ पे इस समय मेट्रो डेवलपमेंट की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, उस समय आरे कॉलोनी में जैसे पेड़ काटी, तो कैसे सामंजस्य बैठाएं इन चीज़ों का, कैसे तालमेल बनाए? कनिका आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? नहीं, मुझे ये लगता है, देखिए दोनों चीजें जो मैंने भी न्यूज में ही देखा है कि जो पेड़ कट रहे हैं मेट्रो की वजह से जो काटने पड़ रहे हैं, सो आई थिंक हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत समझदार, वो सोच समझ के कोई डिसीजन लेंगे, बिकॉज क्योंकि मेट्रो भी ज़रूरी है बनाना और पेड़ों को बचाते हुए कैसे वो इस यू नो इम्प्लीमेंट करेंगे इस प्रोजेक्ट को, सो ये उनके ऊपर है, इसीलिए तो हमने चुन के उनको बिठाया है। अगर ये डिसीजन हमें ले तो फिर हमें सर, किसी को गवाना हो तो मैं अपना नंबर दे जाता हूँ, मुझे ऐसा है। हम लोग आपस में तो साथ में गाते हैं, तो और बेसिकली उस प्लास्टिक की बात आज ही दिख रही है, प्रधानमंत्री जी ने किया था, दो लाइन मिलकर मुंबई आए थोड़ा घुमरा रहे थे, प्लीज टिक 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 कसम ये खाए रे, टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे, to be associated, it's great. And what, the song, as you said, which means a lot, has come out in really well. So Van, Akshay Bhai, and you saw all the celebrities there. It's good to have such initiative taken by Bhamla Foundation, and great to be part of it. And another couple of songs are coming out, so it's going to be fun to be a part of that. जैसे खेल रहे कैसे खेलते रहो, और वर्ल्ड कप जीते हम दो, टेस्ट चैंपियनशिप भी 2021 में लॉर्ड्स में जीतना चाहिए और विराट कैन डू इट, और मुझे पूरा यकीन है कि जैसे हमारी टीम है और वो दे विल डू इट एंड श्योरली दे विल विन द टेस्ट चैंपियनशिप का। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं भामला फाउंडेशन के 22 इयर्स कंप्लीट होने पे और हवा आने दे की सक्सेस के इस महफिल में मैं भी आई हूँ, मैं भी शामिल हूँ और मैं भी इस कैंपेन का एक हिस्सा हूँ। मिस्टर आसिफ भामला को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, मगर बहुत ऐसे कम लोग हैं जो जिनके पास, हमारे देश में काफ़ी लोगों के पास पैसा भी होता है, नेटवर्किंग भी होता है, बट बहुत कम लोग हैं जो वक्त दे पाते हैं कुछ ऐसे कॉजेज़ के लिए जो हमारे पर्यावरण से जुड़े हैं, जो हमारे फ्यूचर के भला के लिए होते हैं। सो आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वंडरफुल इवनिंग एंड मीडिया फॉर सपोर्टिंग दिस वंडरफुल कॉज। It's a very good effort. We must take care of our nature and we do everything for that. And I must appreciate this effort they are doing. सर आप कौन से सीखा?